जय राम जी की। जहां नर्मदा मैया की धरती है और इतई को कंकर कंकर भी शंकर है, इस धरती ने देश को साहित्य के सुरमा दिए हैं, जिन्होंने भारत की भावना को अपने शब्दों में समेटा है। ऐसे हर व्यक्तित्व को मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं। सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि फरवरी में कि ही यहां आने का कार्यक्रम था लेकिन आ नहीं पाया था। पुलवामा में पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकियों ने हमारे सपूतों को शहीद किया, जिसके कारण तब वो कार्यक्रम रद्द करना पड़ा था। लेकिन आज जब आपके बीच आया हूं तो कह सकता हूं कि खाली हाथ नहीं आया हूं। आतंक के सरपरस्तों को हमारे वीर जवानों ने उनके घर में घुसकर मारा है। ऐसा घाव दिया है कि ना बताते बन रहा है और ना ही छिपाते बन रहा है। भारत ने ये कार्रवाई बड़ी ताकत के साथ की, दुनिया में इसकी चर्चा है। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको इस बात का गर्व है? कितने बजे से आए हैं आप लोग? थक गए हैं क्या? नहीं थके हैं? हौसला बुलंद है? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि जब घर में घुस करके मारा, आपको गर्व है क्या? जो आतंकी पहले पाकिस्तान में खुलेआम ट्रेनिंग लेते थे, अब पाताल में छुपने को मजबूर है। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, ये डर अच्छा है कि नहीं है? ये डर अच्छा है? उसी दिशा में चलना चाहिए। साथियों, आज मोदी के नाम से ही पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। मोदी को किसी भी तरह रोका जाए, मोदी को हटाया जाए, इसके लिए आतंक के आका दुआ मांग रहे हैं। दुआ आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, मैं आपका बहुत आभारी हूं। भाइयों बहनों, भारत की जनता कह रही है कि पाकिस्तान और आतंक की पैरवी करने वालों, कुछ भी कर लो, आएगा तो। साथियों, कांग्रेस की भी मुझ पर बहुत कृपा है। मैंने सुना कांग्रेस के एक बयान बहादुर
मुंह फटने यहां आकर कहा है कि मोदी को ऐसा छक्का मारो कि सीमा पार मरे, ये कांग्रेस के नेता का बयान है। सोचिए कांग्रेस वालों को आपके मोदी से इतनी नफरत हो गई है, इतनी नफरत हो गई है कि वो मोदी को मारने तक के सपने देखने लगे हैं। लेकिन वो भूल रहे हैं कि मोदी की तरफ से मध्य प्रदेश की जनता, पूरे हिंदुस्तान की जनता बैटिंग कर रही है। अब कांग्रेस वालों को बताना चाहिए कि वो टिक्की स्टीम से खेल रहे हैं, भारत की टीम से या पाकिस्तान के सरपरस्तों की टीम से। भाइयों और बहनों, अगर आप सोच रहे हैं कि कांग्रेस गलत लाइन लेंथ पर बॉल डाल रही है, नो बॉल डाल रही है, तो ये आपका भ्रम है। ये कांग्रेस पूरी तरह एक सोची समझी रणनीति के तहत ये सब कर रही है।